विश्व पर्यावरण दिवस पर स्टार पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सोमवार को स्टार पब्लिक स्कूल आजाद नगर वार्ड नंबर 19 अररिया में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, ऐसे में जरूरत है कि उनके प्रतिभा को निखारने में सभी शिक्षकों को मेहनत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अभिभावक से भी अनुरोध किया कि अपने बच्चों को केवल स्कूल के भरोसे ही नहीं बल्कि आप भी उनके पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दें। मौके पर वार्ड पार्षद शूफिया खातून, आजम कमर, स्कूल के निदेशक सरवर आलम, प्रिंसिपल उपेंद्र कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल कशिश नगमा, नरगिस जहां, साले परवीन, फहद परवीन, फिजा उमर, शगुप्ता सरवर और रजाला परवीन आदि मौजूद थी। कार्यक्रम का मंच संचालन कशिश नगमा ने किया। मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्टार पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में आज पहुंचे हैं और आज पर्यावरण डे भी है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे स्टार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सरवर साहब, उनकी टीम को, कि बड़े अच्छे अवसर पर उन्होंने एनुअल फंक्शन रखा है जहां पर्यावरण की चिंता हम सभी को है, चाहे वो सरकार के लोग हों, भारत की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, इस देश में अलग अलग राज्यों में जिनकी भी सरकार हो, सब चिंता कर रहे हैं पर्यावरण का। आम नागरिक भी पर्यावरण की चिंता कर रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसको रक्षा करने का एकमात्र उपाय है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। निश्चित रूप से लाइफ, ऊपर वाले ने जो जीवन दिया है ये अनमोल जीवन है और इसका सुरक्षा करना हम सबकी भी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनती है। तो एक तो पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलित होगा और हमारे जीवन का इस पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो आयु घट रही है, ऑक्सीजन का क्राइसिस हो रहा है, ये सभी कारण है पेड़ पौधे की कटाई हुआ और जिस प्रकार लगाना चाहिए हमारे पूर्वजों ने, उन लोगों ने ज़रूर चिंता की लेकिन बीच में ऐसा स्टेट आया कि लोगों ने उस लकड़ी को बेच के आर्थिक फ़ायदा तो लिया लेकिन इससे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा इसकी चिंता नहीं हुई थी। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, आम नागरिक जाग चुकी है और सभी लोग पर्यावरण के लिए चिंतित हैं। तो मेरा आज इस स्कूल के प्रांगण से अररिया जिला वासियों से निवेदन होगा कि निश्चित रूप से आप पर्यावरण के महत्व को समझें और आज के दिन एक शुभ काम करें, एक पेड़ लगावें। एक तो आप खुद ही लाभ पाएंगे इसका, दूसरा ये है कि भविष्य में ये आर्थिक लाभ भी देगा, तीसरा ये है कि आपके पेड़ के छांव में लोग जब बैठ कर धूप की तपिश में हवा लेंगे तो इसका भी आपको सवाब और पुण्य मिलेगा। इस तरह कई लाभ हैं। तो इस दिशा में मेरा निवेदन होगा अररिया जिलावासियों से, संपूर्ण देशवासियों से भी निवेदन है लेकिन विशेषकर मैं अररिया जिलावासियों से निवेदन करूँगा, आज के दिन एक पुण्य का काम, एक अच्छा काम, एक नेक काम निश्चित रूप से करें। आपके स्कूल में किस तरह का फंक्शन रखा गया? आज हमारे स्कूल में तीन तरह का फंक्शन है। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, पर्यावरण दिवस पर है, तीसरा एनुअल फंक्शन हम लोग हर साल मनाते हैं और इस बार भी उसी को मना रहे हैं। आपके स्कूल में किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है बच्चों? हमारे यहाँ दीनी तालीम से लेकर के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कमज़ोर वर्ग के बच्चों को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। क्या लक्ष्य है आपका, बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? हमारा मकसद है कि हम अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी से करते हुए और बच्चे को बहुत आगे तक ले जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है।
तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्स मैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 0645335 0035।